नमस्कार दोस्तों, मैं संजय सिंह राजपूत आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है दिमाग में जो चल रहा है और लोग पूछते भी हैं कि ये मल्टी लेवल मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग क्या चीज़ है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मल्टी लेवल मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग बिल्कुल सेम एक ही चीज़ है, इसमें कोई अंतर नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग क्या चीज़ है? डायरेक्ट सेलिंग एक्चुअल में मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच के जो चैनल्स हैं उनको हटाने के बाद का ये सिस्टम है। इसको अगर साधारण शब्दों में मैं आपको बयां करूं तो वो ये है कि एक मैन्युफैक्चरर कस्टमर तक डायरेक्ट पहुंच रहा है, एक कस्टमर मैन्युफैक्चरर तक डायरेक्ट पहुंच रहा है, क्योंकि जो बीच के जितने सारे चैनल्स थे, एडवर्टाइजमेंट, C&F एजेंट, एरिया डिस्ट्रीब्यूटर, स्टॉकिस्ट, रिटेल शॉप्स, यहाँ पर लोगों की जेब का पैसा एक्स्ट्रा चला जाता है। मान लेते हैं मैन्युफैक्चरर ने 25 रुपए की चीज़ बनाई और वो मार्केट में MRP 100 रुपए की मिल रही है, तो लोगों को MRP पे वो सामान खरीदना ही पड़ेगा क्योंकि उनको ज़रूरत है उस चीज़ की। अब वो जो 25 रुपए की चीज़ है जो 100 रुपए में खरीदी जा रही है, तो 75 रुपए एक्स्ट्रा कस्टमर की जेब से ही तो जा रहे थे और जा रहे हैं आज भी। बस उसी सिस्टम को ब्रेक किया गया है, जो बीच के चैनल्स हैं उनको हटा दिया गया है, एक मैन्युफैक्चरर को डायरेक्ट कस्टमर से जोड़ दिया गया है। और वो जो बीच का जो प्रॉफिट था, जो पहले इन चैनल्स के जेबों में जाता था, मैं अगर यही कहूँ तो ठीक रहेगा, मैक्सिमम पैसा ये लोग कमाते थे कस्टमर। मैं कभी कभी मजाक में एक चीज़ कहता हूँ, कस्टमर यानी कि जो इंसान कष्ट से मर रहा है वो कस्टमर है, उपभोक्ता, वो तो अपनी जेब से पैसा दे रहा है ना। आज वही पैसा जो बीच का चैनल्स ले जाते थे, वही पैसा आज लोगों में मल्टीप्लाई होके एक सिस्टम के थ्रू, मल्टीप्लिकेशन पावर के थ्रू उन तक कमीशन के रूप में पहुंच रहा है। वो बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन डोर टू डोर जाकर नहीं, रिकमेंडेशन बिजनेस है। नॉर्मल लाइफ में हम वैसे भी रिकमेंडेशन करते हैं, सलाह देते हैं लोगों को, बहुत अच्छी अच्छी सलाह देते हैं और बहुत बढ़िया बढ़िया तरीक़ों की, बड़ी बड़ी चीज़ों की सलाह दे डालते हैं। और शायद बचपन से लेकर अभी तक आप लोगों ने भी पता नहीं लाखों रुपए की, हो सकता है करोड़ों रुपए की सलाह दे दी हो, लेकिन आप सोच के देखिए आपको क्या मिला सलाह देने से। कोई भी कंपनी आपको 1 रुपये तक नहीं देती, लेकिन आज यही डायरेक्ट सेलिंग, यही एक मल्टी लेवल मार्केटिंग सिस्टम अगर सिस्टमेटिकली तरीके से चल के वो पैसा आप तक पहुंच जाता है तो इसमें क्या बुराई है? वही पैसा जो आपकी मेहनत का पैसा था, आपकी जेब का पैसा था, आप मार्केट में एक्स्ट्रा ऐसे ही दे आते थे, लेकिन आज उसी सिस्टम को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि लोग अपनी माउथ पब्लिसिटी से कंपनीज को प्रमोट कर रहे हैं, उनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स मार्केट में बिक रहा है, मल्टीपल तरीके से बिक रहा है। दोनों का फायदा है, कंपनीज का फायदा है, साथ में उस कस्टमर का फायदा है जो आज वो कस्टमर नहीं है, एक बिजनेसमैन बन गया है, क्योंकि उसको अपना ग्रोथ दिख रही है, अपना प्रॉफिट दिख रहा है, अपना मान सम्मान दिख रहा है, वो कॉलर सीधे करके खड़े होके चलता है, तन के चलता है। ये व्हाइट कॉलर बिजनेस है, व्हाइट मनी बिजनेस है, तो क्यों नहीं इसको सीख के और तरीके से और ढंग से किया जाए, अच्छे लोगों में किया जाए, क्यों ना किया जाए। यही डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम, मल्टी लेवल मार्केटिंग इस दुनिया के बहुत बड़े बिजनेस में से एक शिखर तक पहुंचने में इसने अपनी कामयाबी, हाँ 70 साल निकाल दिए बट आज ये कामयाब है। मैं तो यही कहूँगा कि 2017 और 2017 के बाद आने वाला समय, अगले 5 साल देखिएगा, जिसके पास टीम होगी वो बहुत इंजॉय करेगा, बहुत ज़्यादा इंजॉय करेगा। इसीलिए दोस्तों, जितनी जल्दी हो सके अपने रिलेशन डेवलप कीजिए, प्यार बढ़ाइए, दोस्ती बढ़ाइए, सच्ची दोस्ती, सच्चा प्यार, और फिर देखिएगा
आपकी टीम बनेगी और इसी इंडस्ट्री में आपका नाम होगा, पैसा भी आएगा, रुतबा भी आएगा, लोग आपको जानेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, महसूस करेंगे, यही तो चाहते हैं ना। तो यह है मल्टी लेवल मार्केटिंग यानी कि डायरेक्ट सेलिंग। थैंक यू वेरी मच।